आवारा गर्दी करती रहती है, घर में सारे काम पड़े वो कौन करेगा? तेरी आई काकी दर्द हो रहा है। और तुम लोग, इसको तो अकल है नहीं, तुम लोगों को भी अकल नहीं है क्या? फिर से इसको बिगाड़ने की कोशिश की ना तुम लोगों ने तो सबको मार पड़ेगी। और तू तू चल घर। लेकिन काकी, काकी बहुत हो गया काकी, चल काकी चल तू। देख बेटा, दिन भर ऐसे बाहर घूमा नहीं करते, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, तू समझ रही है ना? हाँ। तुम जाओ यहां से, तुम जाओ। किसी को बताया ना तो तेरी जान ले लूंगी। नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या गिरा? क्या चोरी कर रही थी? हाँ? क्या चोरी कर रही थी? देखो ना, चोरी कर रही थी। नहीं काकी, ये झूठ बोल रही है, मैं चोरी नहीं कर रही थी। जूही जा बेटा, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। चल तू भी जा अपने कमरे में। हाँ। तुम्हारी भतीजी ने ना जीना हराम कर दिया है मेरा। हाँ, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है ना तू, ये भी उसी की वजह से। दादा वहीनी ने जाते वक्त सब कुछ उसी के नाम कर दिया था, और इस ट्रस्ट के कारण ये जो घर है ना हमें मिला है, तो वो हमारे घर में नहीं, हम उसके घर में रह रहे हैं। क्या ताई, आपको समझ नहीं आता क्या? उसका हाथ आपके हाथ से बांध के रख देना। ये तो छाया है। अरे छाया बेटा, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? मुझे नहीं पता अंकल, मैं आगे से पहुंच गई, मुझे आई के पास जाना है। बच्ची, सब सब मेरी वजह से हुआ है, माजीपुर की। छाया, छाया, मेरी जान निकल गई थी, कूटे गई होती इस बॉल। आए मुझे नहीं पता मैं कब घर से बाहर निकल गई। शांता, अरे बच्ची है वो, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। शुक्र मना कि मेरे गाड़ी के सामने आई और इसे होश आ गया। अरे दरवाजा तो बंद, परसों मेरा आदमी आएगा, वो दरवाजा लगा कर जाएगा। नहीं साहब, आपने मेरे बच्ची को ला दिया, बस वही बहुत है मेरे लिए। अरे बच्ची है वो, उधार समझ लेना, तेरे पगार में से थोड़े थोड़े पैसे काट लूंगा। हाँ, लेकिन जब तक दरवाजा नहीं लगता तब तक इसका पैर अपने पैर से बांध कर रखना। जी।
कैसे लगा? अच्छा। और ये मेरे तरफ से। थैंक्स काका, थैंक्स काकी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। फिर से आना। हाँ। बाय। अरे ये लेके जाओ। हाँ। बड़ी प्यारी है। अगर हमारी बेटी होती तो ऐसी होती। सुनो ना, मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसके काका काकी से बात करके देखो ना, हम उसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, सोचते हैं कुछ। अरे छाया, चल हम वहाँ खेलने जाते। मुझे नहीं आना तुम लोग के साथ। अरे चलना, मजा आएगा। अरे चल, चल चल, मजा, अरे चल, बहुत मजा आएगा। अरे चलना, अरे चलना, खेलते डॉक्टर डॉक्टर खेलते। मैं डॉक्टर, वो कंपाउंडर का पेशेंट। अरे बैठना, अरे बैठ, छोड़ो, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ मैं इसको चेक करता हूँ, जल्दी चेक कर। मुझे नहीं खेलना है तुम लोग के साथ। अरे पेशेंट को तो बुखार है, जल्दी इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे छोड़ो, नहीं छोड़ो। और तू, तू याद रखना, तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास दो दो बड़े कुत्ते हैं, भूखे हैं वो, तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। ये किस चीज के मार्क्स है खान? सर इसके ऊपर कुछ रखा होगा, मिट्टी गीली है इसीलिए मार्क्स बन गए। हर्षा, मेरी बेटी को रात को नींद में चलने की आदत थी सर, बस वही एक कमी थी मेरी बच्ची में। लेकिन उसके बाद सब मैं अपने पैर से उसका पैर बांध के रखती थी सर, लेकिन सब वो रात में नहीं दिन में गायब हुई थी सर। उसे घर में दिन भर ऐसे जानवरों की तरह कैसे बांध के रखे? उसके बॉडी पर जानवर के काटने के निशान है। जंगल में जानवर आते हैं? हाँ साहब, आते तो है, लेकिन कभी किसी पे हमला नहीं किया आज तक। साहब वो प्रधान और उसके बेटे, उन्हीं ने किया है साहब। एक बार मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साहब। क्या नाम बताया आपने? प्रधान। पूरा नाम क्या उसका? सर दिलीप प्रधान नाम है उसका। गांव का बहुत बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है, इसीलिए कॉलर ऊपर करके गाँव में घूमता है। मैं उससे मिला था, लेकिन ये वर्जन ही कुछ अलग है सर। अभी आप नहीं देखा ना साहब, अभी आप आए, मेरे कुत्तों ने कुछ किया क्या? अरे साहब कुत्ते हैं, भेड़िए थोड़ी ना है। अभी मैं कुत्तों को बाहर लेके जाता हूँ, बिना पट्टे के कभी भी नहीं लेके जाता हूँ। हाँ अभी ओ उसकी लड़की भी मर गई, उसका अफसोस है मुझे, मगर साहब सच बोलूँ, वो जो लड़की थी ना, वो एकदम बिगड़ी हुई थी। दिन भर गाँव में घूमती रहती थी, कभी ठेले से कुछ चोरी कर, कभी किराने से चोरी कर, माँ बेटी दोनों एकदम भिखारी। प्रधान, एक 12 साल की नाबालिग लड़की को तेरे दोनों बेटों ने मॉलेस करने की कोशिश की है। अरे साहब चुप, तेरी बात सुनी ना मैंने, अभी मेरी बात सुन, कंप्लेंट है मेरे पास, दोनों को अंदर कर दूंगा। छाया के बारे में गांव वाले लोग कह रहे हैं कि नींद में चलते चलते नदी के पास गई और शायद किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया। नहीं नहीं, ये थ्योरी गलत है, क्योंकि वो दिन में नींद में क्यों चलती जाएगी, और गई भी तो किसी ना किसी तो देखा होगा उसको। सर मैंने गांव में और आसपास में पूछताछ की, लोगों का कहना है कि वाग पर ज्यादा करके भेड़िया और लगड़ बगड़ आता रहता है, लेकिन सर उन्होंने कभी इंसान पे हमला नहीं किया, वो मुर्गियां और बकरियां पे हमला करते थे। दूसरी बात सर कि ये वुमन अटैक का पहला ही केस है। आई चलती, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है बाय। मुझे ये टिफिन लेके जा, हमेशा भूल जाती है तू। और हाँ आते वक्त ज्यादा होमवर्क मत लेके आना, तुझे मार्केट में भी जाना है और पिज्जा भी बनाना है। क्या बाबा आप भी बैंक का काम घर पे भी लेके आते हो? बैंक शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, तो आज तो जल्दी घर पे आओ, मुझे बुक्स लेने मार्केट जाना है। ओके मैडम जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाओ। थैंक्स बाबा। दादा मैं आज आपके दोस्तों से मिलके सारे असाइनमेंट्स ले लूंगी। आप स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी जादू की छड़ी, देखो कैसे आपको ठीक कर देती हूँ, फिर आप रोज स्कूल जा पाओगे।
लगता है सतीश काका आ गए ऑटो लेके। बाय आई, बाय बाबा। आराम से बेटा, आराम से। हाँ हाँ, हो बाय। चलो सतीश काका, भगाओ गाड़ी फुल स्पीड। शिल्पा बेबी, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो। सुंदर तो मैं हूँ, बस अब थोड़ी बड़ी हो रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि बेबी अब बड़ी हो रही है। सर, पीएम रिपोर्ट से तो ये बात कंफर्म है कि छाया का रेप नहीं हुआ है। लेकिन सर, एनिमल बाइट मार्क्स है बट नो ट्रेसेस ऑफ सलाइवा। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, मुझे लगता है ब्लड लॉस के वजह से धुल गए होंगे। और हाँ सर, एक और बात, छाया के बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस मिले हैं। और सर, ये ऐसा क्लोरोफॉर्म है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। रेप नहीं है, क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब खान ये बच्चों का काम नहीं। लेकिन उनके बाप का तो हो सकता है। एक काम करो खान, ये प्रधान, पता करो इसने किसी मेडिकल स्टोर से क्लोरोफॉर्म खरीदा है क्या। और हाँ, मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्यूरेट चाहिए, तो छाया की बॉडी हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेज दो, वो इंडिया का सबसे बेस्ट फॉरेंसिक लैब है। ओके सर। जूही बेटा, जूही। हाँ काकी। इधर आ, तेरे लिए क्या लाऊं, देख तो बैठ। ये ले सारा तेरे लिए। पेस्ट्री मेरे लिए? और भी है, और भी रखी है अंदर। इतने क्यों? वो तेरी काका की पगार बढ़ गई ना, इसलिए। वृंदा, कल बैंक जाना है तो सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। अच्छा, बैंक जा रहे हो? वो जूही के लिए अकाउंट भी तो खोलना था, वो ओपन कर दो, फॉर्म्स वही रखें। खा बेटा। जूही बेटा, एक साइन यहाँ करना, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ करना। हाँ ठीक है। ये ले। काका, ये बैंक के फॉर्म तो नहीं है, ये तो लॉयर के फॉर्म है। ये कुछ नहीं, तू साइन कर। हाँ? लेकिन उस पे लिखा है मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे आपके नाम हो जाएंगे। बेटा, वो तुम बच्ची हो ना, इसीलिए कर रहे हैं। तू जैसे 18 साल की हो जाएगी, सब तुम्हें तो मिलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी साइन। जूही बेटा, साइन कर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं साइन करूंगी। सुन ना बेटा, शिल्पा, अरे वो श्रुति तुझे खेलने बुला रही है, जाके नीचे जाके खेल। हम दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, हम दोनों की टक्कर लग गई तो मैं दादा के साथ ही खेलूंगी। गुड गर्ल। बाबा लगता है, बाबा मैंने आपको वो बुक लाने को बोली थी, आपने लाई नहीं। बेटा आज भूल गया, कल लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे वो कल चाहिए। शिल्पा आई, जाओ अंदर जाके खेलो बेटा। हेलो माता। खान, अगर जंगली जानवर या कुत्ते ने इसको काटा होता। नहीं खान, हमें जैसा लग रहा है वैसी ये केस नहीं है, ये कुछ उसके पास इम्पोर्टेड कुत्ते हैं ना। हाँ सर। तो हो सकता है उनके काटने से भेड़े जैसे मार्क्स बने। प्रधान, क्या हुआ शिल्पा बेबी, ठीक तो हो? अंकल, कुछ दिनों से बहुत वीक लग रहा है मुझे। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वायरल हुआ होगा, बुखार की दवा ले लो, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा आ गई लगता है ना? हाँ। अरे सतीश दादा। ताई, शिल्पा घर पे आ गई क्या? ये क्या बोल रहे हो आप ही लेने जाते हो ना उसे। मैं स्कूल छूटने के आधा घंटे तक बाहर खड़ा रहा, जब वो बाहर नहीं आई तो मुझको लगा शायद घर आई होगी। क्या बात कर रहे हो तुम? आप उसके स्कूल टीचर को जल्दी से फोन करो। आपका शक सही निकला सर, हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार ये बाइट मार्क्स किसी जानवर के नहीं। सर, जब जानवर काटता है तब उसके दांत काफी गहरा जख्म करते हैं, लेकिन ये जो बाइट मार्क्स है ये काफी शैलो है सर। इसका मतलब किसी ने फेक बाइट मार्क्स डालकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है। इसका मतलब है मर्डर है खान। पहले ये बाइट मार्क्स ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, फिर से इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन अभी सबसे पहले पता करो किलर को क्लोरोफॉर्म कहाँ से मिला।
सर 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 मेरे 12 साल की बच्ची स्कूल से मिसिंग है सर, प्लीज सर कुछ कीजिए। यही बैक गेट है, पहले यहां से एंट्री हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। ये लॉक क्यों नहीं है? सर यहां से कोई आता जाता नहीं है इसलिए सिर्फ कड़ी लगा कर रखते हैं। अरे सीसीटीवी नहीं है सर। अरे आपको पता है ना अगर गेट है तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जी सर लेकिन पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब तो हुई है ना, गेट पे लॉक लगवाइए और सीसीटीवी भी। जी मैम, स्कूल ओवर होने से पहले एक बार अटेंडेंस होती है और उस टाइम पे शिल्पा थी ही नहीं, और फिर मैंने उसका बैग चेक किया जो कि मुझे उसकी क्लास के डेस्क पे मिला। इवन मैंने उसकी फ्रेंड प्रज्ञा से भी पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो वॉशरूम गई थी और उसके बाद वो दिखी नहीं। ये शिल्पा कैसे लड़की थी? सर शिल्पा एवरेज स्टूडेंट थी लेकिन काफी वक्त से ना कुछ वीक फील कर रही थी, क्लास में सोती थी, दोस्तों से बात नहीं करती थी, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाती थी। ये कब से बीमार थी? तकरीबन एक हफ्ते से। सर शिल्पा बेबी स्कूल छूटते ही 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाती थी लेकिन उस दिन नहीं आई, तो मैं जाके वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि सब बच्चे तो चले गए, तो मुझको लगा कि बेबी शायद घर गई होंगी। मैं घर गया तो बेबी घर पर भी नहीं थी। देखो शिल्पा के फ्रेंड ने कहा कि तू हरदम उसको बोलता था तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी है। हाँ वो मेरी बेटी जैसी है, आपको गलतफहमी हुई है सर। देख एक लड़की का पहले मर्डर हुआ है, अब ये लड़की गायब है, अगर ऐसा समझा कि तू झूठ बोल रहा है तो तेरे साथ क्या होगा पता है? अरे साहब, अरे मत आ साहब, अरे सर मैंने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ये सतीश दिख रहा है रिक्शा के साथ लेकिन शिल्पा ये बाहर आते हुए नहीं दिख रही। इसका मतलब है सतीश सच बोल रहा है। सर ये शिल्पा के पेरेंट्स की रेपुटेशन भी अच्छी है, मतलब आरती हाउसवाइफ है और आशुतोष बैंक मैनेजर। हाँ लेकिन सर उनका जो बेटा है मंगेश वो काफी बीमार रहता है और शिल्पा के टीचर ने हमें बताया कि शिल्पा भी काफी दिनों से बीमार है। सर ये शिल्पा भी बीमार रहती है, ये मंगेश भी बीमार होता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि मंगेश को आयरन डेफिशिएंसी है जो यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन खान तुम्हें अजीब नहीं लगता? कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई क्लू नहीं, ऐसे कैसे गायब हो सकती है शिल्पा? सर एक्चुअली स्कूल का एक बैक गेट है वो हमेशा खुला रहता है और वहाँ सीसीटीवी भी नहीं। एक काम करो खान, ये बैक गेट के यहाँ जितने भी क्लासरूम्स है स्टूडेंट से बात करो किसी ने शिल्पा को देखा था। सर नदी के पास आवरे क्लास में। देखो वैसे तो हम बड़े प्रोग्रेसिव है, ये डावरी वगैरह हम नहीं मानते। हमें तो बस अर्चना चाहिए। क्या है कि हाल ही में रवि ने एक घर खरीदा है और दोनों वहीं पे रहेंगे, तो उस घर के लिए जो भी चीजें चाहिए आप उन्हें दे देगा बस। आपके लड़की के लिए है वो, और ना घर थोड़ा स्टेशन से दूर है तो एक गाड़ी दे देना। हाँ वो भी अर्चना के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ पर ये कुछ ज्यादा ही है। देखिए तुषार जी इतना तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो मुश्किल होगी फिर। शिल्पा के हाथ पर सिरिंज के निशान थे। क्या सिरिंज? मैम इसके बारे में हमें नहीं पता। शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा मैडम, हम लोग मंगेश के बीमारी में बहुत उलझे हुए थे। मैडम शिल्पा की टीचर ने कहा कि वो एक हफ्ते से वीक फील कर रही थी और सतीश ने भी यही कहा, और उसके हाथ पर सिरिंज के निशान, कहीं वो किसी बुरी संगत में तो नहीं थी और इस वजह से ड्रग्स या कुछ। मैडम क्या बोल रहे हो आप ये? मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी, उसे तो पता भी नहीं होगा ये ड्रग्स भी क्या होता है। लड़की 12 साल की थी, बीमार थी, ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी ना। सर कभी उसने कुछ बताया ही नहीं हमें, ना ही कभी उसके बिहेवियर से लगा। अगर ये ड्रग्स का मामला नहीं है तो उसके हाथ पे मार्क्स कौन से थे? हर्षा जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो इस मार्क्स की कोई और वजह हो सकती है क्या? यस सर। अपने खबरियों को एक्टिव करो और पूछो किसी बच्चे ने हाल फिलहाल में ड्रग्स लिए थे क्या? सर साइन कर दे। नहीं आप लोग बहुत गंदे हो,
आप लोग को तो सिर्फ पैसे चाहिए, मुझसे घर का काम करवाते हो, मारते हो, पीटते, मैं नहीं करूंगी साइड। अपना खबरिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन लाया। बोल, बैठ 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 बोल। ओ, आजीवली में तांत्रिक बाबा बैठा है, उसके पास बहुत लोग आते हैं, सुना है काम करने के लिए वो इंसानों का खून मांगता है। क्या? पहले मुझे लगा वो फेकम पट्टी है, फिर करडे साहब ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया, मैं समझ गया साहब उसने ही किया है, इसलिए मैं आपको बताने आया साहब। नाम क्या उसका? गप्पी बाबा। तू कहीं नहीं जाएगी, आज से तू यहीं पे रहेगी। हाँ? रोते दीपा देख, लेकिन इसके काका काकी यहाँ आके ना सीन क्रिएट करेंगे। सुबोध, इसकी हालत तो देखो, पता नहीं वो इसके साथ क्या करेंगे, मैं इसको कहीं नहीं भेजने वाली। ठीक है, आज की रात रखते ही इसे, कल देखते क्या करना, लॉयर के पास जाना है या पुलिस के पास जाना है। तू आइसक्रीम खाएगी? हाँ? सुबोध जाओ ना आइसक्रीम लेके आओ, तब तक मैं तेरी पसंद की पूरी भाजी बनाती हूँ, तू टीवी देख ले। हेलो। अरे हाँ भाई, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरे हाथ अभी एक प्रॉपर्टी आई है, जैसे ही काम खत्म होता है ना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। ओके। अरे हाँ भाई कर दूंगा। हम जा तो रहे हैं लेकिन दीपा के घर से वो हमारे साथ नहीं आएगी। अरे लाना पड़ेगा उसे, वरना वो सारे ज्यादा ढूंढ के इनाम कर देगी। अरे शांत रहो, ममता जगाओ और लेके आओ उसे। मुंह खोल। अरे साहब, मैंने किसी को नहीं मरवाया, पर मैं नहीं जानता कौन है वो शिल्पा। नाटक मत कर, सब पता है हमको, तू खून क्यों मांगता था? क्यों मांगता था? अरे साहब, वो खून पीने की आदत लग गई थी और अघोर विद्य में लिखा है खून पीने से पिशाच और भूत वश में आते हैं। एक बात बता, उन दो लड़कियों को क्यों मारा? साहब मैं कहीं जाता नहीं हूँ साहब, मैं तो लोगों को काम के बदले में खून लाने के लिए कहता हूँ, और ये बच्चियों के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं मालूम। माँ कसम साहब। कसम से कुछ नहीं मालूम? करडे तुला माहित नाही काय करायचं? हो सर। म्हणजे हा बोलेल घेऊन जायला। सर हम लोग डेड एंड पे आ गए, इन जैसे जानवरों की वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। खान, ये शिल्पा के मर्डर केस में जितने भी विक्टिम्स है सबके CDR निकाल, बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो और मोबाइल लोकेशन निकालो सबके। सर ये जो भी है जानवर से कम नहीं। जुही, जुही क्या हुआ? जुही कहाँ है? अरे यहीं पे तो थी, कहाँ चली गई? दरवाजा खुला है, कहीं चली तो नहीं गई? सुबोध मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, चलो ना चलो देखते हैं। चलो जल्दी। जुही, 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 ये देख दोनों। जुही, जुही, जुही कहाँ है? आपके पास आई थी ना वो? अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। सर भतीजी थी वो हमारी, लेकिन बेटी से कम नहीं थी। सर उसको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। सर ये ड्रामा कर रही है, बेचारी जूही को बहुत हरास करते थे ये लोग और अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। कुछ भी बके जा रहे हैं सर। सर आप उनके लॉयर से भी पूछ सकते हैं। क्या लॉयर से पूछे? सर सुबोध ने गायब किया उसे। सर और एक लड़की गायब हो गई। चिंता की तो बात है ही। एक काम करो खान, लड़की का फोटो लो, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, लुकआउट नोटिस जारी करो, सब लोगों की CDR निकालो। ओके सर।
इसका मतलब दीपा और सुबोध सच बोल रहे थे। जी सर, पैसों का मामला है सर। अर्चना की शादी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। और हाँ सर, मैंने जूही के लॉयर अखिलेश गुप्ता को भी बुलाया। सर, जूही के माँ बाप 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने उसकी सारी जायदाद ऑलरेडी एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दी थी। उससे जूही को अच्छी खासी रकम हर महीने आती थी। अब उसके चाचा होने के नाते बाय डिफॉल्ट उसकी कस्टडी तुषार को मिली। क्या अगर जूही चाहे तो वो उसकी प्रॉपर्टी या पैसे किसी और के नाम हो सकते हैं? यस सर, ट्रस्ट के क्लॉज के अनुसार ये हो सकता है। लेकिन अगर उसके पहले जूही की मौत हो गई तो जूही की और ट्रस्ट की सारी अमाउंट बाय डिफॉल्ट तुषार को मिल जाएगी। इसका मतलब ये लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। नदी के पास एक और लाश मिली। सर, मैंने आपके कहने पर दोनों फैमिलीज की सीडीआर चेक की। कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन हाँ सर, सुबोध किसी साधारण बाबा से कांटेक्ट में थे। फिर से तांत्रिक बाबा? तू जूही को एडॉप्ट करने वाला था ना, तो बाबा के पास क्यों गया? बोल, क्या किया जूही के साथ, बता। बताता हूँ सर, हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने सिर्फ उस बाबा को अप्रोच किया था। तो फिर क्या सजेस्ट किया ये बाबा ने? उस बाबा ने कहा था कि अगर अगर आपको बच्चा चाहिए तो इतने पढ़े लिखे हो तुम, मार दिया जूही को। सर, हम तो बस माँ बाप बनना चाहते थे, हथियारे नहीं। खान, हरे की अपनी अपनी कहानी है। और सर, मजा देखिए, हर कहानी में वो खुद विक्टिम है और सामने वाला कल्प्रिट। एक काम करो खान, कौन कौन से नंबर एक्टिव थे पता करो, और उनमें से कौन सा नंबर कॉमन था ये भी देखो। ओके सर। सर, शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शिल्पा को भी छाया की तरह मारा गया। सर, शिल्पा के शरीर से बहुत सारा खून बह गया। डॉक्टर का मानना है कि 12 साल के लड़की के शरीर के अंदर अंदाजन 2.5 लीटर खून होता है, लेकिन शिल्पा के शरीर के अंदर 1 लीटर खून कम था। इसका मतलब शिल्पा के बॉडी से 1 लीटर खून निकल आया, लेकिन क्यों? सर, मैंने सुबोध, दीपा, वृंदा और तुषार इन सबके CDR चेक किए। उनका कॉल लोकेशन उनके घर पे ही है, लेकिन हाँ सर, बस्ती में वो सब एक साथ मूव हो रहे थे। इसका मतलब वो सब लोग जूही को ढूंढ रहे थे। और सर, मैंने शिल्पा के केस में भी सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। फैमिली मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स, एलिबाई सब ओके है। लेकिन सर हाँ, एक लीड मिला है। वो जो ऑटो ड्राइवर है ना, सतीश, उसने अपने रिक्शा का लोन एक साथ चुका दिया, वो भी कैश देकर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं रे, पर्सनल काम था। सर, चल आ जा। सर ये देखिए, मिट्टी और ये शेप सर, रेक्टेंगुलर, वो छाया और शिल्पा के ब्लड सैंपल से मैच होता है, समझा? तेरे को आशुतोष ने 2 लाख रुपए दिए, जिससे तूने तेरे रिक्शा का लोन चुकता किया। वो नोटों के नंबर अगर मैच करूंगा ना, तो काफी तेरे को जेल में भेजने के लिए। इतना ही नहीं, रिक्शा में शिल्पा और छाया के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। फांसी पे लटक जाएगा तू अभी। मुझे बता साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। शिल्पा का मर्डर क्यों किया? बोल। मंगेश बाबा के लिए। सर, मेरे बेटे को पॉलीसाइथेमिया वीरा नाम की बीमारी है। उसका खून बदलना पड़ता है, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। सारे मेडिकल ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सतीश ने एक स्पेशलिस्ट से मिलवाया, गप्पी बाबा। उसने कहा कि सिर्फ नाबालिग लड़कियों का ब्लड पीने से मेरा मंगेश ठीक हो जाएगा। सतीश हमें वहां लेकर गया था, तो वो काम करने के लिए हमने सतीश को ही बोल दिया। तू मान गया? सर, करीबी लाचार बना देती है। फिर मैंने सोचा कि मैं खून कहीं से भी लाऊंगा। फिर मुझे उसी दिन बस्ती में छाया खेलती हुई दिखाई पड़ी। ये मेरे लिए है। हाँ, वहाँ ना एक बहुत बड़े सेठ आए हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारी चॉकलेट बांट रहे हैं। तुझे और चाहिए? हाँ। तो चल मेरे साथ। हाँ, चल चल बेटा, आ जा।
बेटा वो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हो ना, वो जो चॉकलेट दे रहे हैं अंकल, वहीं पे। अरे लेकिन तुम लोगों को तो खून मिल रहा था, फिर क्यों मारा? शिल्पा बेबी को ये पता चल गया था कि ये एनिमल बाइट्स कैसे हैं? मेरे दादाजी शिकारी थे, गांव वाले घर में दादाजी ने एक भेड़िए का जबड़ा छुपा के रखा था, तो मैं गांव जाके वो भेड़िए का जबड़ा लेके आया और उस जबड़े से बच्चों के शरीर पे निशान बना दिया। जानवर तो तुम लोग हो, अब बताओ जूही को क्यों मारा? हम जूही को नहीं जानते साहब। जूही? सर जूही कौन है सर, हम नहीं जानते सीरियसली। जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? डरे हर्षा को लेके जाओ, जब तक कबूली जवाब नहीं देते मारते रहो इनको। सर जिस रात जूही गायब हुई थी उस रात सुबोध के घर के आसपास एक नंबर एक्टिव था और वही नंबर रात को नदी के पास भी। किसका है? झूठ मत बोल। नहीं ना सर, अभी तक कुछ नहीं बोला इसने। अभी तक नहीं बताया? इसको जिंदा क्यों रखा? बोला था ना गोली मार देना उसको। सॉरी सर, अभी मार देती हूँ। अरे सर सर मैं बता दूँ, यहाँ जंगल में जगह मार। सब कुछ बता दो सर। चल बोलता हूँ सर। सर मुझे अर्चना से शादी करनी थी लेकिन मेरे बाप को दहेज चाहिए था। अर्चना के पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे, सारे पैसे उस जूही के पास थे। एक बार रोते रोते अर्चना ने मुझे एक बात बताई, जूही के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसके पापा पे नाम के हो जाएगी। मैं बस मौका ही ढूंढ रहा था और मुझे उस दिन अर्चना का कॉल आया। आर्चु बोल। रवि, जूही ने पैसे देने से मना कर दिया और वो दीपा आंटी के घर चली गई। रवि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। रवि मैं दीपा के घर के बाहर ही खड़ा था, मैंने सुबोध के घर से बाहर आते हुए देखा, जूही हॉल में अकेली ही थी। सर एक माँ अपनी बेटी को मार देती है, बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही सर। कहना अर्षा, इस धरती पर सबसे खतरनाक जानवर कौन है? तो वो इंसान ही है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी मार सकता है। देखो ना, यहाँ एक बेटे के लिए बेटी की जान गई। सर ये तंत्र मंत्र के चक्कर में ये आरती और आशुतोष ना पढ़ते, ये सब कुछ नहीं होता। अगर क्राइम बंद करना है तो खुद को बदलना होगा। सही कहा सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.